तो दोस्त लोग, हमने मॉर्फोलॉजी देखा था। मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्रूट अपना खत्म हुआ था, सॉरी द फ्रूट खत्म हुआ था। आज अपने को देखना है बेटा, उसके आगे हम पढ़ेंगे, फैमिलीज को पढ़ना है तो उसकी जरूरत होती बेटा फ्लोरल फॉर्मूला। एक फ्लोरल फॉर्मूला की जरूरत है बेटा, और दूसरा होगा फ्लोरल डायग्राम, जो फैमिलीज के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, और अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत ईजी पार्ट है बेटा। तो फ्लोरल फॉर्मूला समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले फ्लावर के सिमेट्री से। जब हम फ्लावर के सिमेट्री से देखते हैं बेटा, तो सिमेट्री यहां होगी बेटा सबसे पहले कॉमन जो होती है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हमें यह समझना है बेटा कि अगर फ्लावर को किसी भी प्लेन में से कट करते हो, किसी भी प्लेन में से कट करते हो, तो उसके दो इक्वल पार्ट होंगे। इसी को हमने रेडियल सिमेट्री नाम दे दिया है बेटा, और इसका सिंबल एक सर्कल बनाना है और उसके अंदर हमें ये प्लस का सिंबल देना है। अगर ऐसा सिंबल बनता है बेटा तो उसे बोलना है एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद हमने दूसरा वाला देखा बेटा सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। तो दोस्त लोग, हम जब जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जाइगोमॉर्फिक ये रेडियल सिमेट्री नहीं होगा, और ये जो होता है बेटा बायलैटरल सिमेट्री बोला जाता है। अगर किसी फ्लावर को एक ही प्लेन में से कट करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी प्लेन नहीं होगा, अगर उसी प्लेन में से कट किया तो ही जाके इक्वल दो पार्ट होंगे। और इसके लिए सिंबल आपको देखना है बेटा, ये सीधा सर्कल बना दिया, उसके अंदर सीधी लाइन बना दी बेटा, तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक। कुछ लोग इसे समझने के लिए बेटा और एक सिंबल यूज करते, और वो हो गया बेटा परसेंटेज का सिंबल। उसके बाद अपने को देखना बेटा कि फ्लावर मोस्टली जो होता है बेटा ये बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर होता है बेटा, इसी को हमने दूसरा नाम दे दिया बेटा हर्माफ्रोडाइट। बेटा ये चीज हमने एनिमल किंगडम में पढ़ना है बेटा, जो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा वर्ड यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट, लेकिन हम प्लांट्स के बारे में भी बायसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर मेल भी होगा, फीमेल भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए हमने बेटा यहां ये बना दिया फीमेल का सिंबल, उसके ऊपर बना दिया मेल का सिंबल। या फिर एनसीईआरटी के साथ अगर जाते हैं बेटा, तो एनसीईआरटी फीमेल को बना के बेटा उसके ऊपर ये चीज बनाती है, तो ये भी हो गया बेटा बायसेक्सुअल का सिंबल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल के अंदर भी देखा जाए कि वो सिर्फ मेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर को ही बोला जाता है बेटा स्टैमिनेट फ्लावर। हमने नाम दे दिया बेटा स्टैमिनेट फ्लावर, तो इसका सिंबल हो गया बेटा केवल मेल का सिंबल आपको यहां बनाना है। अगर हमने यूनिसेक्सुअल में बोल दिया बेटा कि ये फीमेल फ्लावर होगा, अगर ये फीमेल फ्लावर है बेटा तो उसी को हमने बोल दिया है बेटा पिस्टिलेट फ्लावर। तो इसका मतलब यहां सिंबल जो बनाना है बेटा, वो सिंबल अपने को बनाना है यहां फीमेल का सिंबल बनाना है। अब ये हो गया बेटा फ्लावर कैसा होगा। उसके बाद अपने को देखना है कि अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आउटर पार्ट आता है कैलिक्स, उसके बाद आता है करोला, उसके बाद आएगा एंड्रोजियम, उसके बाद आएगा गायनोजियम। तो आज हम सबसे पहले बनाते हैं बेटा यहां कैलिक्स। हमें यह देखना है बेटा कि कैलिक्स के अंदर कैसा होगा, कैलिक्स का प्रोनाउंसिएशन के से होता है बेटा, तो इसीलिए इसका अल्फाबेट हमने दे दिया बेटा के, का सिंबल हो गया बेटा के। लेकिन कैलिक्स के हर मेंबर्स को नाम देना है बेटा अपने को सेपल्स, हर मेंबर को नाम देना है बेटा सेपल्स। अब पहला ही कैरेक्टर बनता है बेटा अपना कि नंबर ऑफ सेपल्स को कैसे दिखाना है। सर अगर हमें नंबर ऑफ सेपल्स दिखाना है बेटा, अगर पेंटामेरस फ्लावर है तो हमने कहा 5 सेपल होंगे, अगर हमने कहा टेट्रामेरस है बेटा तो 4 सेपल होंगे। इन्हें समझने के लिए बेटा हमने क्या करा, हमने के बना दिया, और के बेस में बेटा हम बनाते यहां 5, इसका मतलब सेपल 5 बन गए। या अगर हमें टेट्रामेरस बनाना है तो हमने के बना के उसके पैर के नीचे दे दिया बेटा 4। तो ये होता है बेटा नंबर ऑफ सेपल्स को दिखाना। मॉर्फो में हमने ये टर्म पढ़ा बेटा कि सेपल्स जो होते हैं, सेपल्स जो होते हैं नंबर ऑफ सेपल्स, वो यूनाइटेड होंगे। सेपल्स को हमने बोल दिया बेटा यूनाइटेड, या फिर इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में हमने बोल दिया बेटा ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। अगर ऐसा कंडीशन है, हम बोलेंगे बेटा यहां से आगे पेंटामेरस फ्लावर के बारे में, तो हमने ये कंडीशन को समझने के लिए के बना दिया, उसके बेस में बेटा हमने 5 बना दिया, और उसको बेटा हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दिया। तो ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा यहां पे फ्यूज। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर यूनाइटेड वर्ड यूज करना है बेटा तो आपको जरूरी होगा बेटा ब्रैकेट डालना, और इसी कंडीशन को हम बोलते बेटा गैमोसेपैलस। ये हो गया बेटा अपना गैमोसेपैलस वाला कंडीशन।
अब बेटा हमने बोल दिया कि सेपस अब फ्री हो गए, यूनाइटेड है तो उसका अपोजिट नॉन यूनाइटेड कर दिया। चलो बेटा इस कैरेक्टर को ध्यान से सुनना है, सेपस को हमने बोल दिया बेटा ये नॉन यूनाइटेड होंगे, या फिर हमने बोल दिया दी सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ऐसा कंडीशन है, पेंटामेरस फ्लावर है तो हमने बना दिया के, उसकी बेस में बना दिया पांच, तो यहां मतलब हुआ ये नॉन ब्रैकेट होगा, ये नॉन ब्रैकेट हो गया, मतलब ऊपर वाला भी फ्री था, और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसेपैलस। ये हो गया पॉलीसेपैलस। तो बेटा ये हो गया सेपल्स के बारे में। अब अपने को यहां पे पढ़ना है बेटा वो होता है करोला, कैलेस के बाद अपने को देखना है करोला। तो बेटा जैसे मैंने करोला को देखा, करोला के लिए बेटा यहां पे सिंबल होगा सी। तो करोला के अंदर किससे बना होता है बेटा, हमने कहा ये पेटल से बना होता है, एवरी मेंबर ऑफ करोला इज कॉल्ड एज पेटल्स। अगर करोला को देखा जाए इसका सबसे ज्यादा रोल होगा बेटा इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा रोल है बेटा फ्लावर के अंदर। कैलेस का रोल सिर्फ प्रोटेक्शन करना बर्ड कंडीशन में और थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस करना, इसीलिए इसको हमने के से डिनोट किया और ये पहला बड़ा फंक्शन होगा, इसीलिए अल्फाबेट पहले आने वाला सी दे दिया। अगर हमने यहां देखना है इसकी तरह से तो हमने बोल दिया सबसे पहले होगा नंबर ऑफ पेटल्स, हमें बोलना है बेटा नंबर ऑफ पेटल जब बोला जाता है, चलो मान के चलो ये भी पांच होंगे या चार होंगे, तो इसका सिंबल होता है बेटा C5, मतलब पांच पेटल्स हो गए बेटा यहां, और C4 इसका मतलब चार पेटल्स हो गए। अब बेटा समझ लेना है आपको कि अगर मैंने यहां बोल दिया कि जो पेटल्स है अपने पास, ये पेटल्स अब हो गए यहां यूनाइटेड। अगर पेटल्स यूनाइटेड हो गए, जिसे हमने नाम दे दिया बेटा फ्यूज्ड, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए सिंबल कैसा होगा, हमने भी इसे पेंटामेरस कंसीडर किया बेटा। तो ये हो गया पेटल्स, करोला का सी हो गया बेटा, हमने बना दिया पांच यहां पे, और उसको लगाना है बेटा ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब फ्यूज होगा, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं बेटा ये ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई बेटा गैमो वाली कंडीशन, पेटल से इसलिए इसे बोला गया गैमो पेटालस कंडीशन। अब हमने बोल दिया बेटा इसका अपोजिट वाला पार्ट, हमने बोल दिया बेटा यहां कि पेटल्स जो होगा, अब इसे बोलना है बेटा ये होगा फ्री, मतलब नॉन यूनाइटेड जिसे बोलना है बेटा, नॉन यूनाइटेड अगर बोलना है, फ्री अगर बोलना है, तो सिंबल अपना यहां होगा ये सी बना दिया और ये पांच बना दिया, इसका मतलब बेटा ये नॉन ब्रैकेट हुआ, और इसी कंडीशन को हमने नाम दे दिया बेटा पॉलीपेटालस। तो बेटा ये हो गया सिमेंट्री, सेक्सुअलिटी, कैलेक्स, करोला। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमने ये कहा कि किसी फ्लावर के अंदर अपने को कैलेक्स कौन सा है और करोला कौन सा है, मतलब सेपल और पेटल्स एक जैसे होंगे या फिर दोनों को हमें डिफरेंस नहीं करते आएगा, उस वर्ड हमें यूज करना है बेटा, उस वक्त हमें यूज करना है बेटा दैट इज कॉल्ड एज पेरियांथ। उसे हम यूज करेंगे बेटा पेरियांथ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा लिलियसी फैमिली का, और उसके लिए सिंबल हमें यूज करना है बेटा पी। जब हमने सिंबल यूज किया बेटा यहां पे पी वाला सिंबल, अब इसको एक समझना है बेटा यहां कि पेरियांथ के अंदर हर मेंबर को बोला जाता है टेपस, इसे बोलना है बेटा अपने को टेपस बोलना है। तो बेटा यहां एक चीज यूज करना है कि पेरियांथ के अंदर फिर से बेटा वही वाला पार्ट देखना है, हमने बोल दिया नंबर ऑफ टेपल्स कैसे दिखाओगे सर, नंबर ऑफ टेपल्स अगर देखना है तो जनरली टोटल 6 हो गए बेटा लिलियसी के अंदर, लेकिन ये अरेंज होते बेटा 3+3 और सब फ्यूज होंगे, तो इसे लिखते समय लिखना है बेटा आपने को, इसको पी लिख दिया और ये 3+3 और ये ब्रैकेट डाल दिया। बेटा जैसे मैंने ब्रैकेट यूज किया इसका मतलब यहां आपने को यूज करना है गैमोटेपैलस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहां सारे टेपल्स आर फ्यूज्ड होंगे, टेपल जो देखा जाए बेटा यहां फ्यूज्ड होंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट दे दिया। तो ये हो गया बेटा नॉन इसेंशियल वर्ड्स कैलेक्स, करोला एंड अपना पेरियांथ हो गया। अब इसके बाद हम सीधा आएंगे बेटा जिसे हम बोलना है बेटा अपने को गाइनोशियम। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पढ़ना है बेटा। अब हमने यूज करना है बेटा यहां पे एंड्रोशियम, नेक्स्ट कैरेक्टर जो होता है बेटा अपना वो होगा बेटा यहां एंड्रोशियम।
बेटा अगर मैं एंड्रोशियम बोलता हूं तो उसका सिंबल जो होगा बेटा, ये सिंबल होता है बेटा ए अल्फाबेट। तो ए अल्फाबेट है और एंड्रोशियम के अंदर बेटा होते हैं स्टेमेन, इसीलिए तुम यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर बोला गया। अब बेटा हमने बोला यहां पे नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन हमने जब यूज किया बेटा तो चलो ये 5 हो सकते हैं, ये 10 हो सकते हैं, या फिर 10 से ज्यादा है तो मेनी हो सकते हैं। तो इसका सिंबल अपने को देना है बेटा ये ए, उसके बेस पे लिख दिया 5 तो 5 वाला हो गया, ए के बेस पे लिख दिया 10 तो ये 10 वाला हो गया, ए के बेस पे लिख दिया इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब इसे समझने के लिए हमने कहा बेटा कि स्टेमेन के अंदर हमने कंडीशन पढ़ा था बेटा फ्लावर के अंदर, उसे बोला जाता है मोनो एडल्फी, मतलब बहुत सारे स्टेमेन होंगे, ये मालवेसी का कैरेक्टर बेटा, कॉटन, हिबिस्कस, लेडीज फिंगर, इनका ये कैरेक्टर होता है। मोनो एडल्फी की कंडीशन अगर देखते हैं तो सारे फिलामेंट फ्यूज होंगे बेटा, मतलब मेनी फिलामेंट है, मेनी यहां पे स्टेमेन होंगे, उसके फिलामेंट यहां फ्यूज होंगे। तो इसे दिखाओगे कैसे बेटा, हमने बना दिया बेटा यहां एंड्रोशियम का ए, हमने मेनी है इसीलिए बना दिया इंफिनिटी का सिंबल, उसके अंदर हमने डाल दिया बेटा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को इस तरह से समझना है बेटा कि यहां ये बंडल बनाता है, इसीलिए इस कंडीशन को बोल दिया मोनो एडल्फी। भैया हमने सीधी चीज फैबेसी फैमिली में पढ़ना है, जिसे हमने बोल दिया बेटा डाय एडल्फी। अगर हमने डाय एडल्फी बोलना है बेटा तो इसके अंदर अरेंजमेंट होता है 9+1 का, मतलब टोटल स्टेमेन 10 है लेकिन वो दो बंडल में अरेंज होंगे। सर ये कैसे अरेंज होंगे, चलो यहां देखो बेटा सब लोग, हमने बेटा इसको इस तरह से बनाया। अब ये हो गया ये अकेला वाला, एक अलग आ गया बेटा, और यहां पे हमने बना दिए बेटा ये टोटल 9 हो गए, गिनना मत बेटा इसको, ये 9 है मान के चलो अभी इसको। तो हमने बना दिए बेटा यहां 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 9 जो है उनका फिलामेंट फ्यूज हो गया बेटा, तो इसीलिए हमने इनको ब्रैकेट लगा दिया। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें निकालना है बेटा एंड्रोशियम का ए, ब्रैकेट में 9 दे दिए क्योंकि वो 9 फ्यूज थे, प्लस हमने एक बना दिया बेटा, तो 9+1 अरेंजमेंट हुआ जिसके अंदर 9 क्या थे बेटा, फ्यूज थे। अब यहां हमने एक और कंडीशन पढ़ना है बेटा, जिसका मतलब होता है एपी पेटालस, जो सोलानेसी का कैरेक्टर होगा, ये फैबेसी का कैरेक्टर बेटा डायडेल्फी, डायडेल्फी अपने को फैबेसी फैमिली में पढ़ना है। एपी पेटालस कंडीशन जो है बेटा ये अपने को सोलानेसी फैमिली में पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो हमने कहा बेटा जो स्टेमेन होगा ये स्टेमेन फ्यूज विथ हमें बोलना है बेटा यहां पेटल। तो पेटल्स के साथ ये फ्यूज होने की वजह से अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमने यहां पे बोल दिया सोलानेसी फैमिली के अंदर 5 स्टेमेन 5 पेटल है बेटा, हमने बना दिया यहां करोला, ये हो गया बेटा उसके अंदर 5 पेटल, सोलानेसी का है इसीलिए बेटा आपको इसको ब्रैकेट लगाना है क्योंकि फ्यूज होंगे बेटा इसके अंदर। हमने एंड्रोशियम बनाया जिसके अंदर स्टेमेन होंगे 5, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है बेटा, फ्री होते हैं, इसीलिए इनको नॉन ब्रैकेट बना दिया। अब ये जो करोला था, ये जो पेटल था, इसके ऊपर से लेके एंड्रोशियम को ये दिखाना है चीज। अब ये जो चीज बनाई है बेटा हमने, यही चीज तो डिनोट करती है बेटा एपी पेटालस कंडीशन। तो ये सबसे ज्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी पॉइंट हुआ, एपिपेटालस कंडीशन मतलब जब स्टेमेन फ्यूजेस विद द पेटल, और उसको दोनों के ऊपर जोड़ना नहीं बेटा, दोनों के ऊपर इस तरह से वर्नाकुलर से बोला जाता है, इस तरह से आपको ब्रैकेट एक ऊपर बनाना है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है बेटा जिसे बोला जाता है एपिफाइलस कंडीशन। ये जो एपिफाइलस कंडीशन होगा बेटा ये अपने को दिखता है लिलिएसी फैमिली के अंदर। इसका मतलब होता है जो स्टेमेन होगा बेटा, स्टेमेन फ्यूज विद, इसे बोलना है बेटा टेपल्स। तो यहां अपने को कैसे पढ़ना है बेटा, हमने बोल दिया कि जो पेरियांत था उसका मैंने पी बना दिया, पेरियांत के अंदर हमने बोल दिया बेटा 3+3 अरेंजमेंट था, ये तीनों के तीनों फ्यूज थे, हमने यहां एंड्रोशियम बनाया, वो भी कितने थे बेटा स्टेमेन अंदर 6 थे, और इनको बेटा हमने इस तरह से फिर से एक एरो बनाया। ये पेरियांत होने की वजह से एपिफाइलस बोला जाता है, ये पेटल्स होने की वजह से एपिपेटालस बोला जाता है। So, ये जो सिंबल बन गया बेटा ये था एपिफाइलस का।
जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे बेटा तो फैमिलीज के अंदर बेटा इसको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा। अब ये हो गया बेटा, पेज भी खत्म हो गया, मैं पेज थोड़ा सा टर्न कर लूंगा, एक बार इसको देख लीजिए बेटा। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सिमेट्री को देखा, बायसेक्सुअलिटी को देखा, यूनिसेक्सुअल में स्टैमिनेट और फीमेल फ्लावर को देखा, कैलेस देखा, करोला, एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम, गायनोशियम देखना है सॉरी, और ये पेरियांथ हो गया बेटा। सिंबल्स को अच्छे से देख लो बेटा, हो सकता है तो बाद में एक स्क्रीनशॉट बना लेना, इसको स्टोर करके रख लेना बेटा। अब यहां हमने बेटा देखना है एक अलग चीज बेटा, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, हमने उसे बोल दिया बेटा गायनोशियम। तो बेटा लोग हमें गायनोशियम पढ़ना है। जब गायनोशियम पढ़ना है बेटा, तो गायनोशियम का सिंबल जो होता है बेटा, हमने सिंबल दे दिया यहां पे जी। अब यहां फिर से शुरू करो, गायनोशियम के मेंबर में क्या होता है सर? हमने बोल दिया इसके पास होगा कार्पेल, या फिर उसे बोला जाता है पिस्टिल। कार्पेल नीचे लिख दूंगा बेटा मैं, यहां पिस्टिल भी बोला जाता है। तो बेटा हमने सबसे पहले देखना है यहां पे नंबर ऑफ कार्पेल्स। तो बेटा नंबर ऑफ कार्पेल्स हमने बना दिया एक, या फिर बना दिया दो, या फिर बना दिया तीन। अगर एक है बेटा तो उसे बोला जाता है मोनोकार्पेलरी, उसे बोलोगे बेटा मोनोकार्पेलरी। दो होगा तो उसे बोलोगे बेटा बायकार्पेलरी। तीन होगे तो उसे बोलोगे बेटा ट्राईकार्पेलरी। अब इन तीनों का सिंबल जब पूछा जाता है, हमें बनाना है गायनोशियम, उसके बेस पे बना दिया एक, इसका मतलब ये मोनोकार्पेलरी हो गया। हमने बनाया गायनोशियम, उसके बेस में दो बना दिया, ये हो गया बायकार्पेलरी। अब हमने बनाया जी, उसके बेस में दे दिया तीन, ये हो गया ट्राईकार्पेलरी। तो जीवन का मतलब होता है बेटा मोनोकार्पेलरी। जी टू बेटा, जी टू बोलना है बेटा, जी टू नहीं बोलना है तो उसे बोलना बायकार्पेलरी। जी थ्री हो गया बेटा तो ट्राईकार्पेलरी हो गया। अब यहां हमें समझना है कि अगर कार्पेल यहां फ्यूज होंगे, अगर यहां हमें देखना है बेटा फ्यूज कार्पेल होंगे, इसका मतलब कंडीशन होगा सिनकार्पस। कंडीशन अगर यहां सिनकार्पस होगा तो इसका मतलब कैसे होगा ये? अगर कार्पेल तो वन ही बेटा तो इसको फ्री और फ्यूज का संबंध ही नहीं आता बेटा यहां। लेकिन अगर दो है बेटा तो फिर से ब्रैकेट डालो, उसके अंदर दो लिख दो, ब्रैकेट का मतलब समझना बेटा फ्यूज कंडीशन। अगर हमने तीन दिखाना है बेटा तो ब्रैकेट के अंदर थ्री, ट्राईकार्पेलरी सिनकार्पस, बायकार्पेलरी सिनकार्पस। अगर हमने देखा बेटा कार्पेल यहां फ्री होंगे, तो फ्री है बेटा तो ये तो सारे फ्री के ही नतीजे बेटा अपने सामने। यहां जो दोनों चीजें मेंशन की बिना ब्रैकेट वाली, तो इनको बोल दिएगा बेटा, इन्हें बोलना है बेटा फ्री कार्पेल्स, और फ्री कार्पेल्स को ही तो बोला जाता है बेटा एपोकार्पस, इसे नाम दे दिया बेटा हमने एपोकार्पस वाली कंडीशन। अब बेटा गाइनोशियम के अंदर एक और कंसेप्ट आता है बेटा सुपीरियर वाला। तो जब भी अपने को सुपीरियर देखना है ओवरी, हम यहां लिख देते हैं बेटा सुपीरियर ओवरी देखना है, या फिर हमें देखना है बेटा इंफीरियर ओवरी, या फिर अपने को देखना है बेटा, या ये चीज समझना है बेटा अच्छे से, सेमी सुपीरियर, या फिर उसे बोला जाता है बेटा सेमी इंफीरियर, इसे ही बोला जाता है बेटा हाफ सुपीरियर, इसे ही बोला जाता है बेटा हाफ इंफीरियर। तो अगर सुपीरियर है बेटा, आपको गायनोशियम बनाना है, जी बना दिया, उसके बेस में बेटा एड डैश कर दीजिएगा, अगर ये हो गया सुपीरियर वाला सिंबल। इंफीरियर बनाना है बेटा, जी बना दो, उसके सर पे डैश बना दो बेटा। अगर आपको इनमें से कोई भी बनाना है, सेमी सुपीरियर, सेमी इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, आपको जी बनाना है बेटा, उसके पेट के अंदर बेटा डैश बना देनी है बेटा। तो ये हो गया बेटा गायनोशियम। कुछ और होगा तो फैमिली पढ़ाते समय मैं दे दूंगा बेटा, इसे भी आपने स्क्रीनशॉट बना लेना है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जो फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, जहां हमने शुरुआत की थी बेटा यहां सिमेट्री से, बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कैलेक्स, करोला, पेरियांथ, एंड्रोशियम, और आगे वाला पार्ट बेटा ये बन गया अपना यहां गायनोशियम। अगला जो लेक्चर होगा बेटा वो फ्लोरल डायग्राम के ऊपर होगा। ओके चलो बाय बेटा, थैंक यू।